हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ अनिल मौर्य और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन शेयर मार्केट में। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो आपको आसानी से और सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है इस चैनल पे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए चैनल के थ्रू, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जैसे कि बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट या फिर टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस या फिर डेरिवेटिव मार्केट्स, ऑप्शन, फ्यूचर, ये सारी वीडियो आपको इस चैनल के थ्रू मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को स्टॉक कार्ड्स के ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूं कि स्टॉक कार्ड्स के ब्रैकेट ऑर्डर को पीसी या लैपटॉप में या वेब में कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने स्टॉक कार्ड से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो बनाया है, जैसे कि आप स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं मोबाइल ऐप में, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक कार्ड पर फ्रेंचाइजी लेके बिजनेस कैसे कर सकते हैं, या फिर स्टॉक कार्ड्स के बारे में ढेर सारी जानकारी मैंने इसके थ्रू दिया हुआ है, या फिर आप मोबाइल में स्टॉक कार्ड्स ऐप को यूज कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उन वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया है, वहाँ पर लिंक दे रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम ब्रैकेट ऑर्डर कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर लिया हूँ फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वॉच लिस्ट पर। तो फ्रेंड्स, अभी मार्केट आवर बंद है तो कमोडिटी मार्केट चालू है, तो मैं आपको उसी में वीडियो बना के दिखाता हूँ। कुछ क्वेरी रहेगा तो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ पर बाई पे क्लिक करता हूँ, नेचुरल गैस को सिलेक्ट किया मैंने, बाई पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स देखो ब्रैकेट ऑर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ब्रैकेट ऑर्डर पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है लॉट साइज और प्राइस, यानी आपको यहाँ पे क्वांटिटी डालना पड़ता है, जो भी लॉट लेना हो यहाँ प्राइस डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स यहाँ प्राइस डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्टॉप लॉस का यहाँ पे लिमिट देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक रेंज दिया हुआ है यहाँ पे स्टॉक कार्ड्स की तरफ से, तो आपको जो भी SL डालना है, स्टॉप लॉस डालना है, इसी रेंज के अंदर भी डालना है। ओके, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते हैं, इसी रेंज के अंदर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही प्राइस में आप ये रेंज डालते हैं, उसके बाद यहां पे देखो दूसरा ट्रिगर प्राइस है, तो ट्रिगर प्राइस में भी ऑटोमेटिक वहां पे एक रेंज जनरेट हो जाती है। आप जब वो ट्रिगर प्राइस डालते हो तो आपको उसी रेंज के अंदर डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि स्टॉप लॉस में हमको दो प्राइस डालना पड़ता है, एक प्राइस और एक ट्रिगर प्राइस, उन दोनों के बीच में ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों पे यहां पे जो रेंज दिया हुआ है वो डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे देखोगे टारगेट डालने का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अपना जो भी टारगेट है डाल देना है। मान लो आपका जो बाइक प्राइस है 160 थी, तो आपको 170 जो भी टारगेट हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस उसी रेंज के अंदर सेलेक्ट करना है, आपको प्राइस और ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे आपको इसके रेंज के बाहर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, जो रेंज दिया वही सेलेक्ट करना है। और हमने यहाँ पे प्राइस डाल दिया, टारगेट प्राइस डाल दिया 170, तो जो आपका टारगेट प्राइस डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स आप देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑप्शनल दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स SL जंप और LTP जंप दिया हुआ है, यानी LTP कितना, यानी मार्केट प्राइस कितना जाएगा तो SL कितना जाना चाहिए। तो अगर मान लो मार्केट प्राइस ₹1 जाएगा तो हमारा SL एक जाएगा, अगर हम एक एक डालते हैं। इसी तरह से आप LTP में दो डालेंगे तो वहाँ पे SL में एक डालेंगे तो LTP दो जाएगा तो एक जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे और हमारा ऑर्डर ये सक्सेसफुली लग चुका है। अब यहाँ पे आप ऑर्डर बुक में जाके देख सकते हैं आपका ऑर्डर लगा है या नहीं लगा है, या फिर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो उस ऑर्डर पर क्लिक करके आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, आपका मान लो बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो आप SL और टारगेट वहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, कहाँ से, आप ऑर्डर बुक में जाके, वहाँ पर आपको पेंडिंग दिखाता। इसी तरह से मान लो मैं इक्विटी में, आपको मार्केट तो बंद है लेकिन मैं आपको इक्विटी में कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखो मैंने एक इंफोसिस स्टॉक सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने बाई पे क्लिक कर दिया। बाई पे क्लिक करने पर फ्रेंड्स मैं यहां पे क्या करता हूं, ब्रैकेट ऑर्डर पे क्लिक करता हूं। तो आप इक्विटी में कैसे लगा सकते हो वो भी हम देख लेते हैं यहां पे। तो फ्रेंड्स यहां मैंने क्या किया, क्वांटिटी डाल दिया, जितनी क्वांटिटी आपको खरीदना है यहां पे क्वांटिटी डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे प्राइस डाल दिया, मैंने भी मार्केट बंद है तो मैं यहां पे कुछ भी प्राइस डाल देता हूं। ओके, तो यहां पे मैंने क्या किया, प्राइस डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां
पे SL डालना है। अभी ये ध्यान रखिए, SL जो डालना है ये उसी रेंज में डालना है जो रेंज वहाँ पे दिया हुआ है, आप उस रेंज से बाहर नहीं डाल सकते हैं। तो मान के चलो यहाँ पे देखो 927 का रेंज दिया हुआ है, 921 जो भी यहाँ पे रेंज दिया हुआ है वो रेंज में हम उसी रेंज को डालेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे SL डाल दिया 921 का। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे ही वहाँ पर डालते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक दूसरा रेंज तैयार हो जाता है कि आप जो ट्रिगर प्राइस है इसी रेंज के अंदर डाल सकते हैं। तो आपको उसी रेंज में आपको ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। तो जो रेंज आप यहाँ जब प्राइस में डालते हो वो प्राइस में जैसे ही डालने के बाद एक यहाँ नीचे पे क्लिक करोगे, नीचे में क्लिक करने के बाद मतलब कहीं भी आजू बाजू में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो ट्रिगर प्राइस में एक रेंज तैयार हो जाती है। तो उसी रेंज को है वहाँ पर डालना है आपको, ओके। उस रेंज के बाहर आपको कुछ डालना नहीं है। तो जैसे मान लो यहाँ पर 921 डाल दिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 922 डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स, अगर रेंज तो दिया जैसे मान लो 921.5 दिया तो आप 921.5 भी डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे 921.95 दिया है तो आपको उससे ऊपर या उतना ही डालना है रेंज में। ये डालने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टारगेट डाल दूंगा। मान लो मैंने 45 पे यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 55 पे टारगेट लगा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्केट बंद है जैसे मैंने बोला यहाँ पे, तो AMO ऑर्डर यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर अलाउ नहीं है ब्रैकेट ऑर्डर में, ऐसा करके मैसेज आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैं जब आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आप इसी तरह जैसे मैंने बताया आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ डाल सकते हैं। LTP यानी लास्ट ट्रेड प्राइस कितना जाएगा स्टॉक का, तो आपका SL कितना जंप होना चाहिए, यानी अगर ₹1 LTP जाएगा तो SL भी ₹1 जाएगा। अगर आप LTP में ₹2 डालते हो तो आपको जो और SL में 1 डालते हो तो यानी मतलब मार्केट प्राइस आपका इन्फोसिस का प्राइस ₹2 जाएगा तो SL जो है ₹1 जाएगा। इस तरह से आप मैंने प्राइस डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया और टारगेट डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे SL भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया। तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो डालो या मत डालो। इसके बाद फ्रेंड्स ये सब करने के डालने के बाद आपको एक बार कंफर्म कर लीजिए जो आप SL डाल रहे हो वो उसी रेंज में है या नहीं है। अगर वो रेंज में नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका ट्रिगर प्राइस आउट ऑफ रेंज है, तो आपको उसी रेंज में डालना है। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखिए, जब आप प्राइस में आप प्राइस डालते हो तो एक कहीं ना कहीं क्लिक करना पड़ेगा आपको नीचे, क्लिक करने के बाद ही ट्रिगर प्राइस का रेंज वहाँ पर जनरेट होता है, ओके। तो ये आप ध्यान रखना कि प्राइस में वो रेंज डालने के बाद ट्रिगर प्राइस का रेंज तब जनरेट होगा जब आप किधर ना किधर बाजू में साइड में क्लिक करेंगे। तो कर्सर से क्लिक करने के बाद ट्रिगर प्राइस का रेंज ऑटोमेटिक वहाँ पर जनरेट हो जाता है कि अभी आप कितने का रेंज यहाँ पे या ट्रिगर प्राइस में कितना प्राइस डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राइस डाल देंगे तो फ्रेंड्स आपका जो ऐसे ब्रैकेट ऑर्डर है ये लग जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना है लैपटॉप या PC में यानी वेब प्रो में ये समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आगे एक वीडियो लाइव मार्केट यानी इक्विटी के लाइव मार्केट बना दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, मॉडिफाई कैसे होता है या फिर आपको उसको चेंज कैसे कर सकते हो टारगेट और स्टॉप लॉस। अगर फ्रेंड्स इसमें अगर फिर भी आपको कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो हमारे अंडर में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिंक दे रखा है। और डीमैट अकाउंट हमारे पास अगर आप ओपन करते हो तो फ्रेंड्स हमारे थ्रू आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, एजुकेशन से लेके और भी चीज़ें जैसे ट्रेडिंग कैसे करना है या इंट्रा ट्रेडिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और भी फ्रेंड्स अगर आपको किसी टाइप का सपोर्ट चाहिए या फिर अकाउंट ओपनिंग में कुछ इशू आ रहा है या ट्रेडिंग में कुछ इशू आ रहा है तो आप हमें हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप्स का अगर स्टॉक मार्केट में आपको इशू आता है तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे हमने लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारी जो भी सर्विसेज हो वहाँ पर आप उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सके, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इन वीडियोज को अपने फ्रेंड सर्कल अपने फैमिली में शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसको यूटिलाइज कर सके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और आपको वीडियो कैसा लगा या फिर किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।